पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में रैली को संबोधित किया और इसी दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को घास डालने वाला नहीं बचा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए कि वहां आतंकी आका हो और उनके चेहरे पर डर दिख रहा है। वे दुनिया में जा जाकर अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी आज पाकिस्तान को घास डालने वाला नहीं बचा। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में आपको सिर्फ सांसद नहीं चुनना है, बल्कि सिर्फ पीएम चुनना है, बल्कि एक मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार चुननी है। आपका एक एक वोट इस चौकीदार की ताकत बढ़ाएगा। हम जम्मू कश्मीर में आतंक के ठिकानों का पता लगा लेंगे और साथ ही पाकिस्तान से पैसा लेने वालों को जेल में डालेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों से आतंकवाद खत्म करने पर बात की जाएगी। दरअसल ये डरे हुए हैं और देश को भी डरा रहे हैं। जब नेपाल में भूकंप आया और मुझे लगा कि ये भूकंप का असर बिहार में भी हुआ होगा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिहार के मुख्यमंत्री को फोन किया कि भूकंप की स्थिति में आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा, मोदी जी मैं तो दिल्ली में हूं, मुझे अभी तो कोई जानकारी नहीं है। मैंने बिहार के हर जिले में फोन किया, एनडीए के हर नेता से फोन किया, सबको दौड़ाया। मैंने कहा यह भूकंप का असर बिहार के भी नेपाल से सटे हुए जिलों में हो सकता है, तुरंत पहुंचिए। इतना ही नहीं, मेरी सरकार के मंत्रियों को बिहार के हर जिले में भेजा, जबकि बिहार की सरकार ने क्या किया वो आप जानते हैं। भूकंप के कारण जिनको मुसीबत आई है, इनकी चिंता करने का काम सबसे पहले सिर्फ दिल्ली सरकार ने नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद ने किया था। मेरे